हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर फर्स्ट डिज़ाइन। आज की इस वीडियो में आप चूड़ीदार स्लीव्स की कटिंग और स्टिचिंग सीखेंगे। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैं फुल स्लीव्स की ड्राफ्टिंग बनाने के लिए ब्राउन पेपर का यूज़ कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने ब्राउन पेपर की लंबाई 25 इंच ली है और पेपर की चौड़ाई के लिए मैंने यहाँ पर 20 इंच लिया है। अब मैं ब्राउन पेपर को चौड़ाई की साइड से आधा ऐसे फोल्ड कर लूँगी। ब्राउन पेपर की ये वाली साइड ऑन फुल वाली साइड है और दूसरी साइड इसकी ओपन वाली साइड है। सबसे पहले मैं यहाँ पे बाजू की लंबाई का निशान लगाऊंगी। बाजू की लंबाई यहाँ पे 22 इंच है, जिसमें मैं 1.5 इंच मार्जिन ऐड करके 23.5 इंच पे निशान लगाऊंगी। यहाँ पे मैंने 1 इंच बाजू के फोल्ड का मार्जिन लिया है और आधा इंच ऊपर सिलाई का मार्जिन ऐड किया है। यहाँ मैं बाजू में आर्महोल की शेप देने के लिए ऊपर से 4 इंच पे निशान लगाऊंगी, क्योंकि ये लॉन्ग स्लीव्स है। और दूसरा निशान मैं यहाँ पे 10 इंच पे लगा रही हूँ। यहाँ पे 10 इंच का निशान मैंने एल्बो लेंथ के लिए लगाया है। अब मैं यहाँ नीचे की साइड 1 इंच का मार्जिन जो मैंने लिया है उस पर भी एक निशान लगा लूंगी। निशान लगाने के बाद अब मैं इन सारे पॉइंट्स में स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लूंगी। यहाँ पे मेरे मेजरमेंट के अकॉर्डिंग आर्महोल की गोलाई 16.5 इंच है, तो उसको मैं 2 से डिवाइड कर लूँगी, तो यहाँ पे 8.25 इंच आया। यहाँ से मैं तिरछा मिलाते हुए 8.25 इंच पे एक निशान लगा लूँगी। अब दूसरा निशान मैं यहाँ 10 इंच पे लगाऊँगी। मेरे मेजरमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पे स्लीव्स की गोलाई 11 इंच है, तो उसको भी मैं 2 से डिवाइड कर लूँगी, तो यहाँ पे मेरा 5.5 इंच आ रहा है, तो उस पर एक निशान लगा लूंगी। और तीसरा निशान मैं यहाँ पे स्लीव्स की नीचे गोलाई का लगाने वाली हूँ। यहाँ पे मेरी स्लीव्स की गोलाई 8 इंच है, तो उसको भी मैं आधा करके यहाँ पे 4 इंच पे निशान लगा रही हूँ। अब मैं इन तीनों निशानों को आपस में मिला लूंगी। बाजू में आर्महोल की शेप देने के लिए मैं यहाँ 2 इंच पे निशान लगा रही हूँ। आप 1.5 या 2 इंच पे निशान लगा सकते हो। निशान लगाने के बाद अब मैं यहाँ आर्महोल की शेप ड्रॉ कर लूंगी। ये स्लीव्स का बैक आर्महोल का शेप है। अब मैं यहाँ सेंटर से 1/2 इंच पे नीचे एक और निशान लगाऊंगी। निशान लगाने के बाद अब मैं इसमें शेप ड्रॉ कर लूंगी। यहाँ पे स्लीव्स के मार्जिन के लिए मैं 1.5 इंच पे निशान लगाने वाली हूँ। आप 1 से 1.5 इंच के बीच में स्लीव्स का मार्जिन ले सकते हैं। अब मैं इन पॉइंट्स को भी आपस में मिला लूंगी। यहाँ पर स्लीव्स की ड्राफ्टिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं इसे कट कर लूंगी। यहाँ पे स्लीव्स के फोल्ड वाले मार्जिन को आपको अंदर की तरफ फोल्ड करके उसके बाद कटिंग करनी है। यहाँ पे मैंने स्लीव्स के बैक आर्महोल के अकॉर्डिंग कटिंग कर ली है। अब मैं स्लीव्स को ओपन करके फ्रंट आर्महोल की भी कटिंग कर लूंगी। यहाँ पे स्लीव्स की पूरी कटिंग हो चुकी है। ये साइड स्लीव्स की फ्रंट साइड है और दूसरी वाली स्लीव्स की बैक साइड है। यहाँ पर फुल स्लीव्स की ड्राफ्टिंग की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। तो चलिए अब इसे फैब्रिक में कट करते हैं। चूड़ीदार स्लीव्स बनाने के लिए मैं यहाँ पे 1 मीटर क्रेप फैब्रिक यूज कर रही हूँ। यहाँ पे मेरे फैब्रिक की चौड़ाई 40 इंच है और फैब्रिक की लंबाई यहाँ पे मैंने 1 मीटर ली है, जो कि 39 इंचेस है। यहाँ पे मैं आपको पेपर में समझाऊंगी आपको फैब्रिक को कैसे फोल्ड करना है। ये पेपर की लेंथ वाली साइड है और ये विड्थ वाली साइड है। सबसे पहले पेपर को आपको ऐसे ट्रायंगल फोल्ड कर लेना है। उसके बाद आपको कोन शेप में एक और ऐसे फोल्ड कर लेना है। सेम इसी तरीके से आपको फैब्रिक को भी फोल्ड करना है। यहाँ पे आपको फैब्रिक को पहले ऐसे ट्रायंगल फोल्ड करना है, उसके बाद फैब्रिक को ऐसे आपको 4 फोल्ड में करना है। फैब्रिक को फोल्ड करने के बाद आपको फैब्रिक को अच्छे से एडजस्ट कर लेना है और उसके बाद पिन से सिक्योर कर लेना है। अगर आप बिगनर्स नहीं हैं तो आप डायरेक्ट फैब्रिक में भी स्लीव्स को कट कर सकते हो। फैब्रिक को मैंने एडजस्ट करके पिन से सिक्योर कर लिया है। ये फैब्रिक की फोल्ड वाली साइड है और दूसरी साइड फैब्रिक की ओपन वाली साइड है। यहाँ पे मैं L शेप स्केल की हेल्प से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लूंगी।
लाइन ड्रॉ करने के बाद अब मैं यहाँ स्लीव्स की ड्राफ्टिंग को ऑन फोल्ड वाली साइड रख के एडजस्ट कर लूँगी। अगर आप ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हो और आपके मन में कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। यहाँ पे मैंने फैब्रिक पे फुल स्लीव्स की ड्राफ्टिंग को पूरा ट्रेस कर लिया है। अब मैं इसमें प्लीट्स का एक्स्ट्रा मार्जिन ऐड करूँगी। यहाँ पे मैं 7 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन ऐड कर रही हूँ, आप 10 इंच तक एक्स्ट्रा मार्जिन ऐड कर सकते हो। 7 इंच पे निशान लगाने के बाद अब मैं यहाँ 4 इंच पे गुलाई का निशान लगाऊंगी। गुलाई का निशान लगाने के बाद इसको मैं स्लीव वाले निशान से सीधा मिला लूंगी। यहाँ पे चूड़ीदार स्लीव्स की ड्राफ्टिंग कंप्लीट हो गई है, अब मैं इसे कट कर लूंगी। यहाँ पे स्लीव्स की कटिंग अभी बैक आर्मोल के अकॉर्डिंग हुई है। अब मैं इसे ओपन करके ड्राफ्टिंग से इसमें फ्रंट आर्मोल भी ट्रेस कर लूंगी। फ्रंट आर्मोल ट्रेस करने के बाद मैं इसे भी कट कर लूंगी। यहाँ पे चूड़ीदार स्लीव्स की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है, तो चलिए स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने स्लीव्स के बॉटम फोल्ड के लिए 1 इंच मार्जिन लिया था, उसको मैं ऐसे फोल्ड करके स्टिच लगा लूंगी। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि कपड़ा ओरेब में कटा हुआ है तो इसको खींचना नहीं है, इसको आपको आराम से स्टिच करना है। बॉटम में स्टिच लगाने के बाद अब मैं स्लीव्स को उल्टी साइड फोल्ड कर लूंगी। यहाँ पे मैंने फैब्रिक को फोल्ड कर लिया है, अब मैं इसे पिन से सिक्योर कर लूंगी। अब मैं यहाँ नीचे वाली साइड से एक निशान 4 इंच पे लगाऊंगी। यहाँ पे आप 3 से 4 इंच पे निशान लगा सकते हो। निशान लगाने के बाद अब मैं यहाँ से 1.5 इंच का मार्जिन लेते हुए पूरी स्लीव्स पे निशान लगा लूंगी। फिटिंग का निशान लगाने के बाद अब मैं नीचे से 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए एक निशान लगा रही हूँ। आपको इस वाले निशान से स्टिच करते हुए यहाँ पे स्टिच करना है और इसके बाद पूरा ऊपर तक स्टिच कर लेना है। यहाँ पे मैंने स्लीव में स्टिच लगा लिया है, अब मैं स्लीव्स को सीधा कर लूंगी। स्लीव्स को सीधा करने के बाद आगे जो मैंने यहाँ पे 4 इंच का गैप रखा था उसमें मैं यहाँ स्टिच बटन लगाने वाली हूँ। यहाँ पे आप स्टिच बटन की जगह हुक और आई भी लगा सकते हो। मैं यहाँ पे स्मॉल साइज का स्टिच बटन लगाने वाली हूँ। यहाँ मैंने स्लीव से स्टिच बटन अटैच कर लिए हैं। स्टिच बटन अटैच करने के बाद स्लीव्स यहाँ पे रेडी हो चुकी है। पहनने के बाद स्लीव्स का लुक कुछ इस तरीके से आएगा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और इसके साथ साथ बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए ताकि फ्यूचर में आपको ऐसी ही वीडियो के अपडेट मिलते रहें। आज की वीडियो आपको कैसी लगी लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।